नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। कोरवा आदिम जनजाति की किशोरी से दुष्कर्म किया गया, यह शर्मनाक घटना गुरुवार रात में बेलवाटिका इलाके में हुई। पुलिस ने पीड़िता को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। नगर थाना प्रभारी अरुण मेहता ने बताया कि शनिवार को पीड़िता का बयान लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। एमआरएमसीएच प्रबंधन से पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए अनुरोध किया गया है। पलामू के मेदिनी नगर में एक निजी अस्पताल के पास गाड़ी में कोरवा आदिम जनजाति की किशोरी से दुष्कर्म किया गया है। यह शर्मनाक घटना गुरुवार रात में बेल वाटिका इलाके में हुई है। पीड़िता गढ़वा के भंडारिया की है। वो अस्पताल में भर्ती अपनी बहन को खाना देने गई थी। सुबह किशोरी की तबीयत बिगड़ने के बाद आरोपियों ने उसे चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में संचालित एक ईंट भट्टा पर छोड़ दिया। उस ईंट भट्टे पर पीड़िता के कुछ परिजन काम करते हैं। पीड़िता ने अपनी मामी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद चैनपुर और मेदिनी नगर शहर थाना को सूचित किया गया। पुलिस ने पीड़िता को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। नगर थाना प्रभारी अरुण मेहता ने बताया है कि शनिवार को पीड़िता का बयान लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। एमआरएमसीएच प्रबंधन से पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए अनुरोध किया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसकी बड़ी बहन और बहनोई सेमरा के एक ईंट भट्टे पर काम करते हैं। 8 दिसंबर को बहन की तबीयत खराब हो गई। उसे बेलवाटिका के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 दिसंबर को वो बहन से मिलने सेमरा पहुंची। वहां उसकी मामी ने खाना अस्पताल पहुंचाने भेजा। ईंट भट्टा संचालक के ड्राइवर सेमरा निवासी राहुल यादव और उसके दोस्त राम प्रवेश यादव के साथ वो खाना खाकर अस्पताल गई। शाम में अस्पताल में जगह नहीं होने के कारण वो उनकी गाड़ी में सो गई। रात में बंद गाड़ी में ही राम प्रवेश यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।